नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इससे पहले कि विश्लेषण को आगे बढ़ाया जाए, सबसे पहले पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को सुन लेते हैं। आइए देखते हैं अपनी जनता को वह क्या संदेश दे रहे हैं। देखिए इरशाद, आप अगर मुझे ये कह रहे हैं ना कि यहाँ कोरोना की स्पाइक हो गई और जो सीरियस पेशेंट्स जाएंगे हॉस्पिटल्स में, अगर हम उन सारों को देख सकते हैं, आप वो मुल्कों को देखें जिनके जिनके पास बजट्स क्या हैं कि वो $2 trillion के वो आज पैकेजेस दे रहे हैं, वो आज हमारे से कई जगह पे मदद मांग रहे हैं। देखिए, दुकान करे पकौड़ों की और बात करे करोड़ों की। जिस देश में अंडरवियर का मतलब N95 होता है, जहां 22 करोड़ की आबादी पर मात्र 1700 वेंटिलेटर मौजूद है, जिस मुल्क की राजधानी में केवल 600 बेड ही अस्पतालों में मैसर है, अगर ऐसे फंटर देश से अमेरिका मदद मांग रहा है तो मदरसा पैदाइश गधैया नर्तक का कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। पर सवाल यही है कि इस अफलातून से अमेरिका ने क्या मदद मांगी होगी। लोंडा कुछ भी कहे, पर कहने वाले तो यही कहते हैं कि अमेरिका ने जरूर यही पूछा होगा कि कोरोना वायरस किन किन रास्तों से इंसानों में घुस सकता है। यकीनन एक यही तजुर्बा इमरान और उसकी मंत्री फिरदौस आसिफ़ को जरूरत से ज्यादा है। यूबीए मदरसों के बीच से पैदा हुई वो नस्ल है जो मुल्लाओं के तहमन से रस्सी बनाकर सावन के झूले झूलते हैं। यहाँ कोरोना वायरस ने कितनी भयंकर तबाही मचा रखी है, उसके प्रमाणिक आंकड़े अभी दुनिया के सामने नहीं आए हैं। पूरे पाकिस्तान में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 9,565 बताया जा रहा है। 201 टोपीबाजों के हुरों की खोज में जाने की चर्चा है, यानी इस औसत को भारत के 50% पर रखने की कोशिशें लगातार जारी है। पर इमरान सरकार के झूठे आंकड़े अधिक देर तक सच्चाई को नहीं छिपा पाएंगे। अगर किसी को पाकिस्तान के आंकड़ों पर यकीन है तो वह खनेवाल अस्पताल के लैब से आए अल्लाह दत्ता की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट के बल पर ही पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमित केसों की गुत्थी सुलझ नहीं रही है। टेस्ट जोन क्लिनिकल लेबोरेटरी द्वारा जारी की गई जांच रिपोर्ट में अल्लाह दत्ता की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और शीघ्र ही वे एक टोपीबाज को पैदा करने वाले हैं। पर यह खेल केवल अल्लाह दत्ता के साथ ही नहीं खेला गया है। टेस्ट जोन क्लिनिकल लैब द्वारा जारी की गई जांच रिपोर्ट में 3725 लोगों में 1842 लोग प्रेग्नेंट पाए गए हैं, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जल्दी ही जनसंख्या विस्फोट होने जा रहा है। अब यदि इमरान खान से अमेरिका ने मदद मांगी है तो वह यह भी जरूर जानना चाहता होगा कि पाकिस्तान ने इतना जबरदस्त फार्मूला कैसे ईजाद किया है। वैसे ईदी फाउंडेशन के फैसल ईदी के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद इमरान का सैंपल बीसी लैब को भेजा गया है। दरअसल 15 अप्रैल को फैसल ईदी ने इमरान खान से मुलाकात की थी। उन्होंने 1 करोड़ का चेक भी खुद इमरान के हाथों में सौंपा था। पाकिस्तानी अधिकारियों के हाथ पांव इसलिए भी फूले हुए हैं कि कहीं टेस्ट जोन क्लिनिकल लैब से इमरान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव ना आ जाए। मगर असली हड़कंप तो इमरान खान के दांव पर मचा हुआ है, इसलिए जाते जाते इमरान खान और एक पाकिस्तान का यह वीडियो जरूर देख लेते हैं। इस पाकिस्तानी द्वारा इमरान खान को दिया गया जवाब इमरान की सही औकात बता रहा है। आइए देखते हैं ये दोनों वीडियो एक साथ। पाकिस्तान जो इंशाल्लाह जब तरीके साहब इक्तदार में आएगी, कभी उसका प्राइम मिनिस्टर ना कभी किसी के सामने जाके भीख मांगेगा, ना कर्जे मांगेगा, ना झुकेगा। मुझे इतनी शर्म आती है जब मैं इन हुक्मरानों को देखता हूँ, कभी सऊदी अरेबिया जाके हाथ फैला के बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। चाहे लोगों से दूसरे मुल्कों से जाके भीख मांगे और IMF आए और हमें बताए कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो, बेशक लोग मरे, लेकिन हुक्म करे हमें कभी बिजली बढ़ा दो, कभी गैस बढ़ा दो, कभी फलानी चीज बढ़ा दो, मुझे शर्म आती है पाकिस्तानियों। सबसे बड़ा झूठ है जो कहता जी इमरान खान ने सेहरा सजाया था। अच्छा, 10 मैच थे, मैंने एक एक मैच देखा था। इमरान खान ने तो एक मैच में स्कोर भी नहीं किया था। पहला मैच पाकिस्तान वेस्टइंडीज से खेला था, हार गया था, इमरान खान ने मैच ही नहीं खेला था। दूसरा मैच पाकिस्तान जिम्बाब्वे के साथ खेला था, उसमें पाकिस्तान जीत गया था, अमर सहेल ने सेंचुरी की थी। तीसरा मैच पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, पाकिस्तान 74 पे आउट हो गया था। अभी आप सुन ले पूरा, 74 पे पाकिस्तान आउट हो गया था, इमरान खान वो मैच नहीं खेला था। चौथा मैच पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के खिलाफ था, इमरान खान 10 पे आउट हो गया था। पांचवा मैच इंडिया के खिलाफ था, इमरान खान 0 पे आउट हो गया था। छठा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, इमरान खान 7 पे आउट हो गया था। आठवां मैच लंका के खिलाफ था, इमरान खान 0 पे आउट हो गया था। सेमीफाइनल हमारा जो सबसे अहम मैच था 264 का हमारे टारगेट था न्यूजीलैंड के खिलाफ, इमरान खान ने 93 बालों पे 44 स्कोर किया था
और दूसरों के लिए 8 की एवरेज करके चला गया था। इसने क्या हक किया था? वो तो मेहर दुआ दें, उस वक्त सेमीफाइनल में इंजमाम हक ने 37 बालों में 60 किया था और फाइनल में वसीम अक्रम ने एलन लैब और क्रिस लुईस को आउट कर दिया था। वरना इसने क्या किया था? आज देखे दुनिया के कप्तान है कोहली है और ये न्यूजीलैंड का कैप्टन है, इंग्लैंड का मोर्गन है, वो क्या सेंचुरी नहीं करते? वो स्कोर नहीं करते? वो बस इसी बात पे बैठे रहते हैं कि हम कैप्टन है। इसने किया गया था? इसने तो कुछ एक जीरो परफॉर्मेंस थी इसकी 92 के वर्ल्ड कप में। वो तो मेहरबानी वसीम अकरम की जिसने दो आउट किए थे और सेमीफाइनल में वो इंजमाम ने 37 बालों पे 60 किया था, ये तो 93 बालों पे 44 किया था, मैच आगे चला गया था बाहर। लेकिन इस सबके बावजूद भी खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद।